जिससे उनके लाखों करोड़ बचे हुए पेमेंट टाइम पे मिल जाए और पैसे पे ब्याज भी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। धन्यवाद सभापति महोदय। पूरे कर लेते हैं लोग। आपने इस अमृत काल के बजट पे मैं समर्थन करने खड़ा हूं। ग्रीन ग्रोथ, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी भरा ये बजट है। ये अमृत काल का बजट कैसे बैकग्राउंड में आया इसको भी देखना सभापति महोदय जरूरी होता है कि जब पूरा विश्व और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था ये महामारी के कारण जूझ रही थी तब अमृत काल के बजट का फाउंडेशन डाला गया और अमृत काल का बजट जब प्रस्तुत किया गया तो आने वाले 25 साल यानी देश के अमृत काल का पूरा मापदंड लेके हर सेक्टर को कुछ ना कुछ इस बजट के अंदर से दिया गया। फिर वो गरीब हो, जिसके कल्याण के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी सरकार काम करती है, दलित हो, वंचित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, इन सभी के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में रखा गया। सर्वसमावेशक बजट होने के कारण एक तो पूरे विश्व में मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में हमारा देश उभर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को भी पछाड़कर पांचवें नंबर पे आने का काम भारत देश ने किया है और इस अमृत काल में 2047 तक पूरे अमृत काल के अंदर अर्थव्यवस्था की एक अलग प्रगति की छाप इस बजट ने छोड़ी है। जिनको इस बजट से तकलीफ है, जो इस बजट पे केवल रोने का काम करते हैं, वो ये जानते हैं कि 2047 तक उन्होंने यही काम को करना है और वहीं पे उन्होंने बैठना है। इस तरफ आने का वो सपना नहीं देख पाते क्योंकि सपने वही देखते हैं जिसको पूरा करने का उसके अंदर सामर्थ्य होता है, वही इंसान सपने देख सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से लगाकर सतत और हमेशा पूरे देश को, सभी सेक्टर को कुछ ना कुछ देने का काम किया है। 2023-24 का इस बजट की सबसे खास बात है कि इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो 10 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ था और पिछले 3 साल से हर साल 33% का इंक्रीज इसके अंदर किया गया है। देश की प्रगति का सबसे बड़ा मार्ग जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है और इस बजट के अंदर उसका प्रावधान किया गया है। रेलवे को 2,40,000 करोड़ का प्रावधान इसके अंदर किया गया, जो 13-14 में केवल 26,000 करोड़ था, 9 गुना बढ़ाकर रेलवे का इस समय जो प्रावधान किया गया है। इस बजट के अंदर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के नाम पे 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो टीयर 2 और टीयर 3 के सिटी जो होते हैं उसके डेवलपमेंट में भी ये पैसे का इस्तेमाल होगा। इसके साथ साथ ह्यूमैनिटी फर्स्ट, मानवता के नाम पे जो सीवर लाइन है, जिसके अंदर पिछले पांच साल का अगर रिकॉर्ड देखे तो 347 लोगों की मृत्यु केवल सीवर क्लीनिंग के नाम पे मैन होल के अंदर उतर के जो जहरीली गैस पैदा होती है उसके कारण हुई है। प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने इस साल के बजट में नमस्ते योजना लाई है, जिसके कारण मैकेनाइज क्लीनिंग के द्वारा सभी शहरों के अंदर सीवर लाइन को मैकेनाइज क्लीनिंग से युक्त किया जाएगा और मशीनरी से ये सफाई होगी, जो मानवता के दृष्टि से इन वर्ग के लोगों को राहत दिलाने वाली है, जिसके कारण में ये मैकेनाइज क्लीनिंग के कारण जान भी बचेगी और स्वच्छता भी बढ़ेगी। आज हम देखेंगे कि जो शहर है वो शहरों का क्या हाल है। हम देखेंगे तो 2014 के बाद में जब स्वच्छ भारत अभियान और स्मार्ट सिटी को बजट के अंदर इंक्लूड किया गया, उसके बाद में शहरों में आपसी कंपटीशन हुई, तंदुरुस्ती के कारण, स्वच्छता के कारण शहरों का आंक बढ़ा है और स्वच्छता हमको देखने मिली है। तो स्वच्छ भारत अभियान के अंदर 2 टीयर सिटी, 3 टीयर सिटी भी अच्छे मापदंड के कारण अपना परफॉर्मेंस सुधार पाए है और सरकार भी उसके अंदर पूरी मदद कर रही है। गार्बेज सेग्रीगेशन से लगा के सभी चीजों में सरकार ने पूरी तरह से
शहरी क्षेत्रों के ऊपर ध्यान देने का काम किया है। रेलवे के अंदर जो प्रावधान किया गया इसमें महाराष्ट्र को 13,539 करोड़ का प्रावधान इस साल में मिला है। मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने महाराष्ट्र को इतनी बड़ी तरतूद करके की, जो 2009 और 2014 में 5 साल यूपीए की जब सरकार चली तो औसतन 1100 करोड़ रुपया हर साल वो महाराष्ट्र को देते थे। इस बार पहली बार 13,539 करोड़ का प्रावधान ये महाराष्ट्र के लिए किया गया। आज नाना शंकर सेठ जयंती है। नाना शंकर सेठ वो व्यक्ति थे जिन्होंने रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुंबई में, मुंबई शहर, ये मुंबई रेलवे की जननी, जो सबसे पहली रेलवे आई वो मुंबई में आई और नाना शंकर सेठ ने मुंबई में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम किया। आजादी के 70 साल के बाद वो जिस गांव से थे मुरबाड़, उसको रेलवे लाइन देने का काम इस साल के बजट में हुआ है। इस साल वो लाइन को पास किया गया। जिस तरह का प्रावधान महाराष्ट्र और मुंबई के लिए पहली बार किया गया, पिछले दो ढाई साल से एक स्थगित सरकार महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में चल रही थी। शिंदे फडणवीस जी की सरकार आई, डबल इंजन सरकार की ग्रोथ क्या होती है मैं आपको बताता हूं अध्यक्ष महोदय, कि डबल इंजन सरकार की ग्रोथ के कारण आज मैं आभारी हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि मुंबई जैसे अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के शहर को 2 वंदे भारत ट्रेन एक साथ में आज वो इनोग्रेट करने प्रधानमंत्री जी अभी वहां गए हैं मुंबई, और 2 वंदे भारत की ट्रेन दी जाएगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं प्रधानमंत्री का कि पिछले महीने, इस महीने के अंदर ही वो दूसरी बार मुंबई आए हैं। जब पिछली बार वो मुंबई आए तो मेट्रो के नेटवर्क में यहाँ पे कुछ लोग पिछले 10 दिनों से अपनी बात को रख रहे थे। दादा आप सुनिएगा, मैं बात को बताता हूं कि मुंबई जैसे अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के शहर में एक मेट्रो का प्रावधान 2006 में किया गया। अध्यक्ष महोदय, पहली मेट्रो मुंबई को 2006 में मिली, 2006 में फाउंडेशन डाला गया, उसका उद्घाटन 2014 में हुआ और वो भी प्राइवेट मेट्रो थी। मैं प्राइवेट मेट्रो शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूं कि 69% शेयर उस मेट्रो का भी एक इंडस्ट्रियल हाउस के पास था। आज मोदी जी की सरकार 2014 में आई, माननीय देवेंद्र जी की सरकार महाराष्ट्र में 2014 में बनी। उस सरकार के आने के बाद में 10 मेट्रो के जाले पास हुए, 7 का काम शुरू हुआ। अगले वर्ष तक 337 किलोमीटर का जाल मेट्रो का केवल मुंबई शहर के अंदर बुना जाएगा। एक मेट्रो दी जिसके अंदर 69% भागीदारी एक बड़े इंडस्ट्रियल हाउस की है, वो आज एक मेट्रो देने की बात कांग्रेस और उसके सहकारी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली सरकार वहां पे करती थी, उन्होंने एक मेट्रो दी, आज पूछते हैं कि महाराष्ट्र को क्या मिला। अध्यक्ष महोदय मैं 2 मिनट में कंक्लूड करूंगा। 337 किलोमीटर मेट्रो का जाल ये वहां पे बुना गया और वो 337 किलोमीटर की मेट्रो ये मुंबई शहर के लिए देने का काम मोदी सरकार ने और फडणवीस सरकार ने किया। इन्होंने बुलेट ट्रेन को भी रोकने का काम किया, जो 508 किलोमीटर की बुलेट ट्रेन का प्रावधान मोदी जी की सरकार ने किया, उसके स्टेशन के लिए भी जगह पिछले 2 साल में आवंटित नहीं की। मेट्रो का कार शेड हो, स्टेशन हो, अलग अलग प्रक्रिया हो, इन सभी को रोकने का काम पिछले 2.5 साल की शिवसेना की सरकार ने वहां पे किया। मैं धन्यवाद करूंगा मोदी जी का कि उन्होंने आने के, शिंदे फडणवीस सरकार के आने के बाद में 2 मेट्रो का तो लोकार्पण किया है, लेकिन साथ साथ में उसी दिन में एक बहुत बड़ी बात जो वहां पे हुई, मैं यहाँ पे माननीय वित्त राज्य मंत्री बैठे उनका भी आभार व्यक्त करूंगा कि उनके प्रयत्नों के कारण उन्होंने 4 से 5 वहां पे मीटिंगें ली और स्वनिधि योजना के अंदर 1,20,000 फेरी वालों को वहां पे 10,000 रुपए लोन देने का काम कहीं पे हुआ, तो वो मोदी जी की सरकार आने, और ये इसकी कहानी है अध्यक्ष महोदय, ये 1,20,000 फेरी वालों की मुंबई शहर की लिस्ट को वहां के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने उस लिस्ट को भी रोकने का काम किया, उसको भी स्थगति देने का काम किया था जो शिंदे फडणवीस की सरकार आने के बाद और माननीय वित्त राज्य मंत्री ने वहां पे मीटिंगें लेने के बाद वो 1,20,000 रेहड़ी पटरी फेरी वालों को एक बटन क्लिक में डीबीटी से पैसा देने का काम अगर कहीं पे हुआ तो वो मुंबई शहर के अंदर हुआ है। और इसकी सभी की जिसको बोलते हैं
कि पूरे गरीब शोषित पीड़ित सभी अर्बन एरिया हो शहर हो इस सभी को समावेशक बजट के अंदर कुछ ना कुछ देने का प्रावधान किया गया है और इस बजट का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन सबसे पहला रेलवे स्टेशन जंक्शन बना था उसको भी अपग्रेड करने का जो कार्यक्रम है वो भी उस दिन संपन्न हुआ था। उस स्टेशन का भी कायाकल्प होगा और उस स्टेशन के लिए भी प्रावधान किया गया 123 रेलवे स्टेशन को इस अमृत काल के अंदर अपग्रेड किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री एंटो एंटोनी जी। थैंक यू चेयरमैन। आई वुड लाइक टू डिलीवर माय स्पीच इन नो नरेंद्र मोदी सरकार महाराष्ट्र सरकार घाट से आप एंटोनी जी प्लीज दादा दादा प्लीज 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 होगा दैट्स